उस पर बटन दबाइए, दुआ करिए कि तेलंगाना से एक भी पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला 16 पार्लियामेंट की सीट पर सिर्फ टीआरएस कामयाब हो, बीजेपी और कांग्रेस को टिकट मिले। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने एक वोट का इस्तेमाल करेंगे। ये उम्मीदवार नौजवान है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया से एमबीए की डिग्री है और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि ये मेहनत करेंगे और सिकंदराबाद के हर असेंबली हल्कजात में, जिसमें नामपल्ली भी शामिल है, वहां पर जो तरक्याती काम रुके हैं, हम इनके साथ लेकर उन तमाम डेवलपमेंट के काम को जो अधूरे हैं उसको मुकम्मल करेंगे। मुझे एक और जलसे में जाना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। और हमारे प्रभाकर साहब भी एमएलसी हैं, जिंदगी गुजर गई इनकी कांग्रेस में, जिंदगी गुजर गई, 30-35 साल से इनकी वाबस्तगी, इनकी अहमियत कांग्रेस में नहीं है, बेजार हो गए थे। आज टीआरएस ने दोबारा इनको एमएलसी बनाया, दलित लीडर है, दलित लीडर है, ये हमारे भाई हमारे ओबीसी हैं, यादव हैं। आप देखिए कि तीनों मजलूम लोग एक साथ खड़े हुए हैं, एक शेरवानी है, एक यादव है, एक दलित है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये मोदी क्या बोलते हैं, महामिलावट नहीं मिस्टर मोदी, ये ऑर्गेनिक है। एक तरफ शेरवानी, एक तरफ दलित, बीच में हमारा यादव। अब आप कहां निकले इसमें? अब कांग्रेस पार्टी तो बेचारी अभी पुरानी पार्टी है, सोच रहे क्या करना हो, शादी करना, जवान होना, कैंडिडेट देना, नहीं देना, बहरहाल इनके बहुत से अंदरूनी मसाइल हैं। मगर मेरी एक बात को याद रखो, आप आज ये बात कहकर जा रहा हूं, 5 साल के बाद जब असेंबली के इंतखाबात होंगे तो तेलंगाना में मंजलिस टीआरएस का मुकाबला बीजेपी से होगा, देखना आप। कांग्रेस खत्म हो रही है, बिल्कुल याद रखो मेरी इस बात को आप।